जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी तो है गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर जिस तरीके का फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा, इस तरीके का वीडियो अभी इंस्टाग्राम के रील्स पर काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप कुछ इस तरीके का वीडियो बना के अगर इंस्टाग्राम के रील्स पर अपलोड करते हैं ना, तो फ्रेंड्स आपका भी वीडियो वायरल होने वाला है। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आप सबको इसी रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो यार, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबको मेरे चैनल पर इसी तरीके का वीडियो देखने को मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। एक है आपका स्कोर वीपीएन, तो फ्रेंड्स ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और एक है आपका कैपकट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, आपको कैपकट एप्लीकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना वीपीएन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे आपको कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन का आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्री सर्वर विद एड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको बैक आना है और आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको अपने यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी वीडियो पर अपने इसका इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले गाइस, अपने वीडियो के साउंड को वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे मैं म्यूट कर लेता हूँ एंड राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, इसके एंड पार्ट पर आके इसके वाटरमार्क को आपको डिलीट कर देना है। हो चुका है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पर आना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ओवरले का, आपको ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एड ओवरले में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्काई वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको एड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरफ आना है। एक आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्रॉप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसके बाद गाइस, आपको इस तरीके से सबसे पहले आप इसे जूम करके क्रॉप कर लीजिएगा अपने स्काई वीडियो को। एंड इसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस, आपको अपने स्काई वीडियो को आप इस तरीके से जूम कर लीजिएगा। जूम करने के बाद आपको इस तरीके से अपने स्काई पर इसे एडजस्ट कर लेना है। और सबसे पहले आपको बैक आना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मास्क का, आपको मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और गाइस, आपको अपना स्काई वीडियो को सबसे पहले अपने स्काई पर आप इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड उसके नीचे वाले एरो का आइकन को फ्रेंड्स आपको नीचे खींच के लेके आ जाना कुछ इस तरीके से। और यहां से फ्रेंड्स आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कैसे हमारे वीडियो पर इसका इफेक्ट लग चुका है। इसे आप जूम करके भी एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कर लीजिएगा। तो हो चुका है फ्रेंड्स, इस तरीके से गाइस हमारा वीडियो पर इसका इफेक्ट लग चुका है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। सबसे पहले अपने स्काई वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसे हम स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कट लगाते हैं एंड इसका सेकंड पार्ट को डिलीट कर देते हैं। हो चुका है। और सबसे पहले आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है एरो का आइकन, तो गाइस आपको एरो का आइकन पर क्लिक करके अपने वीडियो को गाइस आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो सबसे पहले अपने वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो गाइस, तो हमारा वीडियो यहां पर सेव हो चुका है। इसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है स्टॉक वीडियोस का, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से फ्रेंड्स आप कोई भी एक बैकग्राउंड को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, व्हाइट या फिर ब्लैक। तो यहाँ पर गाइस मैं व्हाइट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आपको एड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से बैकग्राउंड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सबसे पहले इसके वाटरमार्क को हम डिलीट कर लेते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का, इस तरफ आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको 9:16 वाला आपको रेशियो सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद गाइस आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है और आप इसे इस तरीके से जूम करके सो गाइस आपको फुल स्क्रीन में इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। हो चुका है। इसके बाद आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना है, इसके लेंथ को आपको जितने से बड़ा कर लीजिएगा। हो चुका है।
इसके बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पर आना है। सबसे पहले आपको बैक आना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एड ऑडियो का, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद गाइस आपको अपना साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स आपको साउंड वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस आपको अपना साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इनपुट साउंड ओनली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका साउंड इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पर आना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले आपको बैक आना, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ सब कुछ भी टाइप कर लीजिएगा। और इसके बाद गाइस आपको राइट पर क्लिक करना है और सबसे पहले इसके लेंथ को आप इस तरीके से बड़ा कर लीजिएगा, इतना हो चुका है। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर साउंड को सुन के देख लेना है कि गाइस आपके साउंड पर किस जगह से गाइस आपका कबीरा वाला साउंड स्टार्ट होता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड्स कुछ यहाँ से हमारा कबीरा वाला साउंड स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है, आपको इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शन लगा स्प्लिट का, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को आप कट लगाइएगा। इसके बाद गाइस इसके सेकंड पार्ट को डिलीट करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने टेक्स्ट वाले लेंथ के ऊपर भी क्लिक करना है, इसको भी गाइस आपको कट लगाना है, इसके सेकंड पार्ट को डिलीट करना है। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने साउंड के लिरिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पर अपने टेक्स्ट को कट लगाना होगा। तो गाइस आपको कट कैसे लगाना है, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट लिरिक्स खत्म होता है। आपको क्या करना है, आपको इस लेंथ के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, आपको उसके ऊपर क्लिक करके इसे आपको कट लगाना है। फिर से हम सुन लेते हैं। और यहाँ से गाइस हमारा सेकंड लिरिक्स खत्म होता है, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे आपको कट लगाना है। फिर से हम सुन लेते हैं। और यहाँ से गाइस हमारा लास्ट वाला लिरिक्स खत्म होता है, फिर से हम कट लगा लेते हैं इस तरीके से। तो सेम आपको इसी तरीके से कट लगाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने लिरिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पर अपने टेक्स्ट को टाइप करना है। तो सबसे पहले अपने साउंड को सुन लेते हैं कि गाइस हमारा साउंड पर क्या बोलता है। तो सबसे पहले गाइस आपको इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टाइल का, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टाइप कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स आपको अपने साउंड के लिरिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ से गाइस अपने इमोजी की भी हम ऐड कर लेते हैं, जो कि गाइस देखने में अच्छा लगता है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करना होगा, तभी गाइस आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइस सबसे पहले इसके मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ब्लैक को ऐड कर लेता हूँ एंड राइट पर क्लिक करना है और फिर से अपने साउंड को सुन लेते हैं। फिर से यहाँ पर क्लिक करके स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से गाइस फिर से अपने लिरिक्स को यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं। हो चुका है हमारा सेकंड लिरिक्स को यहाँ पर और फिर से हम सुन लेते हैं और फिर से अपने टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करके यहाँ से फिर से हम टाइप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपने सभी टेक्स्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया इस तरीके से अपने साउंड के लिरिक्स के हिसाब से। तो आप भी इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको अपने सबसे पहले स्टार्टिंग पर आना है, आपको अपने स्टार्टिंग वाले टेक्स्ट को ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर काफ़ी सारे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ से गाइस मैं इसे ऐड कर लेता हूँ फेड इन को, हो चुका है। और गाइस आपको आउट एनिमेशन पर क्लिक करके गाइस आपको इस पर भी आपको उसी एनिमेशन को ऐड करना होगा। जब फ्रेंड्स आपने इन वाले ऑप्शन पर जिस एनिमेशन को ऐड किया होगा गाइस आपको आउट वाले भी ऑप्शन पर उसी एनिमेशन को ऐड करना है। तो हम फिर से ऐड कर लेते हैं, देख सकते गाइस यहाँ पर मैं फेड आउट को ऐड कर लिया हूँ। तो गाइस मैंने इन वाले ऑप्शन पर फेड इन को ऐड किया था, तो आउट वाले पर गाइस मैं फेड आउट को ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस आपको राइट पर क्लिक कर, तो गाइस मैं सेकंड वाले पर भी उसी एनिमेशन को ऐड कर लेता हूँ। तो सभी गाइस आपको टेक्स्ट पर उसी एनिमेशन को ऐड करना है। फ्रेंड्स हमने अपने सभी टेक्स्ट पर अपने एनिमेशन को ऐड कर लिया, फेड इन और गाइस फेड आउट को, एंड इसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। तो हो चुका है इस तरीके से गाइस हमारा यहाँ पर टेक्स्ट का काम हो चुका है। इसके बाद आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने स्टार्टिंग पर जिस वीडियो को सेव किया था उस वीडियो को गाइस आपको सेलेक्ट करना है एंड आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख सकते गाइस हमारा वीडियो आ चुका है और यहाँ पर गाइस हमारा साउंड खत्म होता है। सबसे पहले इसके लेंथ को हम छोटा कर लेते हैं अपने साउंड के हिसाब से, हो चुका है।
इसके बाद गैस आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर गैस आपको इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लास्ट तरफ आना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, इधर आ जाता हूँ, तो यहाँ से मैं इसे ऐड कर लेता हूँ और इसके स्पीड को हल्का गैस मैं इनक्रीज कर लेता हूँ इस लाइन से। हो चुका है, राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कि गैस हमारे साउंड पर एक म्यूजिक आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गैस हमारा एक म्यूजिक आता है। आप तो गैस आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को आपको कट लगाना है। हो चुका है, फिर से हम सुन लेते हैं और यहाँ पर एक आता है, फिर से हम कट लगाते हैं। तो गैस हमारे साउंड पर जहाँ पर गैस म्यूजिक आता है, हमने सभी जगह पर गैस इस तरीके से कट लगा लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस डब्बे वाले आइकन पर क्लिक करना है। नीचे गैस आपको इस तरीके से गैस आपका इफेक्ट सोने लगेगा। तो गैस आपको क्या करना है, आपको इस इफेक्ट को ऐड करना है, ब्लंच वाले इफेक्ट को, और इसके लाइन को फ्रेंड्स आपको जितना इसे रख लीजिएगा 2 सेकंड में। एंड आपको यहाँ पर गैस क्या करना है, आपको राइट पर क्लिक करना है, तो आपको सभी डब्बे वाले आइकन पर गैस आपको उसी इफेक्ट को ऐड करना है इस तरीके से। तो गाइस हमने अपने सभी आइकन पर इस तरीके से अपने इफेक्ट को ऐड कर लिया। इसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है, देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सबसे पहले आपको इस एरो वाला आइकन पर क्लिक करके आपको इसे सेव कर लेना है। इसके बाद गैस आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो पर गैस आपको डस्ट इफेक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने वीडियो को सेव होने देते हैं। तो गैस हमारा वीडियो यहां पर सेव हो चुका है। इसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बैक आना और गैस आपको अपना प्रीक्वेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो फ्रेंड्स आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। सबसे पहले गैस हम कुछ देर वेट कर लेते हैं, हमारा यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। तो गैस हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ चुका है। सबसे पहले आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गैस आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका लोडिंग लेके गैस आपका वीडियो इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इसके बाद गैस आपको क्या करना है, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह पाना है, एक आपको इफेक्ट मिलेगा डस्ट इफेक्ट। तो गाइस ये आ चुका है, अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं करता तो गाइस आप सर्च वाले ऑप्शन पर आप सर्च कर सकते हैं इस इफेक्ट को, तो गाइस आपका इफेक्ट आ जाएगा। तो आपको इस डस्ट वाले इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका लोडिंग लेके आपके वीडियो पर आपका इफेक्ट ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं गाइस हमारे वीडियो पर कुछ इस तरीके से इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो यहाँ से गाइस आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गैस हमारे वीडियो पर डस्ट इफेक्ट लग चुका है इस तरीके से। और इसके बाद गैस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है, तो अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद गैस आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपका वीडियो गैस सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।